वाकई बहुत अच्छी है दोस्तों। आज मैं बात नहीं कर रही अपना की बात बहुत लासो नहीं का करी हूं इठे सी बहुत ही घट आज के बाद खाऊंगी तो बहुत टेस्टी आ जाएगा फिर खाऊंगी जब खाऊंगी कैसा निकाल हां तो गांव की लाइव माँ बेटी चैनल में आप सबका स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिनचर्या के साथ सभी को राधे राधे। और ये है माँ, माँ भी बोल दे राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सूतों को आशीर्वाद, बड़ों से नमस्ते। मम्मी थोड़ा आप ताकत आ गई है मम्मी के, तो बैठे बैठे अपना सब्जी वगैरह काटती रहती है, तो मैं काम करती रहती हूँ। आज क्या काट रही है? आज बनेगा हमारे यहाँ देरुआ की सब्जी, और ये खीरा काट रही है क्योंकि खीरे का बनेगा नाश्ते में सैंडविच। ये ब्रेड मंगाए हुए हैं जिसका नाश्ता बनेगा। अब चलिए जल्दी से खाना की शुरुआत कर देती हूँ। मैं काम ही नहीं कर पाती जल्दी, बहुत छोटा दिन होने लगा दोस्तों। मुझे 3 बज जाते हैं खाते नहाते, फिर आराम की रात हो जाती है। आज मैं सोची कि अब मैं थोड़ा, मम्मी भी ठीक ठाक हो गई हैं तो काम में हेल्प करवा देती, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करती हैं, थोड़ा थोड़ा करती हैं पर मैं हेल्प करा देती हैं। तो मैं आज से वीडियो बनाना चालू कर दूंगी। आप लोग को भी थोड़ा ठीक लग रही होंगी मेरी मम्मी। अरे मम्मी, हम लोग इसी पासू से काटते, उससे नहीं काट पाते हैं, चाकू से। सुबह सुबह तो बहुत काम रहता है। उधर वाले ना भाई, टमाटर मुझे ले ले अभी। टमाटर कट गई सब्जी मेरा सल। मम्मी अपना सब्जी काटेंगी बैठ के, जब तक मैं सैंडविच तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। चलिए बनाती हूँ सैंडविच। इसमें तो थोड़ा सा पहले नमक मिला लेती हूँ, मिर्ची मिला लेती हूँ। हरी मिर्ची नहीं कटी हुई है क्योंकि वो अगर खाओ कच्चे से मुँह में पड़ जाती है तो बहुत तीखी लगती है दोस्तों, तो नहीं मिलाई। लाल मिर्ची पीसी मिला लेती हूँ और नमक, थोड़ा सा नींबू भी मिला लूँगी। और बनाएंगे सैंडविच। हमारे पास साँचा नहीं है सैंडविच बनाने का, वो तो हम तवे में ही बना लेंगे। हम देसी लोग हैं, ये गांव की लाइफ है, गांव की लाइफ माँ बेटी की दिनचर्या। चलिए सैंडविच बनाती हूँ और सबको देती हूँ नाश्ता करने के लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बन गया मेरा सैंडविच और सबको दे भी दिखाने के लिए। अब मैं भी टेस्ट करती हूँ लास्ट में कैसा बना है। आप लोग भी टेस्ट करिए और मैं भी टेस्ट करती हूँ। जब ठंडा हो जाएगा ना तो मैं जल्दी जल्दी मैं भी खा लेती हूँ। और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ सब्जी के लिए और बनाऊँगी आज रुआ की सब्जी। आप लोग तो जैसे पता ही, मम्मी काट के रख दी, मम्मी भी नाश्ता कर ली है और सब लोग कर लिए। चलिए अब मैं सब्जी छौंकती हूँ। सब्जी में ना एक आलू भी मिला दूँगी, तो पहले डाल दी बघार, उसमें जीरा मेथी मिर्ची और अब हल्दी भी डाल दूँगी उसी में, तो अपना पक जाएगा उसी में। अब फिर उसके बाद डाल दूँगी रेरुआ और ढक दूँगी। बहुत आसान तरीके से बन जाती है रेरुआ की सब्जी। पानी बहुत छोड़ता है ये सब्जी। इसको ढक दूँगी, अपना पकती रहेगी जब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी दोस्तों। फटाफट जल्दी काम करना पड़ता है ना, बहुत छोटा दिन होने लगा, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। इंडक्शन में मम्मी की दरिया चढ़ाई हुई हूँ, दरिया भी पकती जा रही है और गैस में सब्जी बन रही है। सब्जी बन ही गई है, देखो सब अच्छी तरह से मिल गया है। आलू भी मिलाई हुई थी ना, थोड़ा सा एक ही मिलाई, ज़्यादा नहीं मिलाई थी। सब्जी बनाने के बाद अब दाल टंग कर देती हूँ इंडक्शन में, क्योंकि इंडक्शन और गैस दोनों यूज करते हैं, चूल्हा नहीं जलाते ना। गैस भी नहीं भरवाई हुई है तो गैस जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए सब हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जब तो मम्मी रहती है ना तो चूल्हा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इंडक्शन भी इस्तेमाल कर लेते हैं और गैस भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब मैं बना रही हूँ रोटी फटाफट। रोटी बनाने के बाद फिर मिलूँगी आप लोगों। आप लोगों को तो पता ही है मुझे कितना टाइम लगता है, और मेरे बब्बा भी हैं तो बब्बा मेरे 12 बजे तो खाना खाने लगेंगे। तो अब मैं रोटी फटाफट बनाती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो बनाने में बनाई हूँ आज, क्योंकि पहले तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था वीडियो बनाने में, पता ही आप लोगों को काम रहता था। मम्मी भी ठीक नहीं थी, अब थोड़ा मम्मी ठीक हो गई हैं तो मम्मी हेल्प करवा देती हैं, सब्जी वगैरह धीरे धीरे काट देती हैं, क्योंकि डॉक्टर बोला उनको टहलने के लिए, टहल के मेरा काम करवा देती हूँ। ऐसे मेहनत वाला काम नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत काम करा देती हैं दोस्तों। तो अब मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाने के बाद फिर मिलती हूँ।
खाना मेरा बन गया दोस्तों, अब सिर्फ बचा है चावल, तो अभी चावल गरम गरम बनाऊंगी। अब ये देखिए मेरा चूल्हा टूट गया हुआ है एक, और पता है आप लोग को एकदम चूल्हे से रेड रेड मिट्टी निकल रही है और बहुत अच्छी सोंधी सोंधी निकल रही है, पर टूट गया चूल्हा। पर अभी मम्मी नहीं बनाएंगी, अभी ऐसे टूटा रहेगा, मैं साफ़ कर दूंगी, इधर उधर राख कर दूंगी, जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तब इसको सही करेंगी। और देखिए कितनी अच्छी मिट्टी निकल रही है, सोंधी सोंधी रेड रेड। आज तो मैं पहली बार खाऊंगी मिट्टी, मुझे देख के मन करने लगा, सोंधी महकती भी बहुत अच्छी है और ऐसे परतदार निकल रही है दोस्तों। वाओ कितनी अच्छी मिट्टी मिल गई। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना वो बहुत खाती हैं। अच्छी सोच सुनती है, अच्छी सोच सुनती मिट्टी है दोस्तों, अच्छी महक भी रही, बहुत अच्छी लग रही है, वाकई बहुत अच्छी है दोस्तों। चूल्हे की भुनी मिट्टी में पहली बार खाई दोस्तों, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लग रही थी। एक बार खाओगे ना तो बार बार खाने का मन कर रहा, पर नहीं खाऊंगी तो आदत पड़ जाएगी। और मैं बना रही हूँ अब चटनी, कहे थे कि चटनी बना रही हूँ, मम्मी ये सब काम करती पीसने वाला, पर आज मुझे बहुत इच्छा हो रही थी, कहे था चटनी खाने की, मोहित गया था मौसी को छोड़ने तो वहाँ से कैसा लाया था, तो वही उसकी चटनी बनेगी, पर मैं बना रही हूँ, मुझे मिक्सी की नहीं खाना था, सिलौटी की सिलबट्टे की खाने थी, तो मैं पीसूँगी, बहुत मेहनत पड़ रही है दोस्तों। मैं पीसी नहीं, मम्मी सब ये काम करती तो आदत भी नहीं पड़ी है, बहुत टाइम लगा मुझे। इसमें मैं डाल दी हूँ नमक और लहसुन हरी मिर्ची, थोड़ा ही सामान डाल के बना दी, पर बहुत टेस्टी बनी थी गरी चटनी, बहुत मेहनत तो लगी थी पर बहुत टेस्टी, दाल चावल और कहते चटनी का मज़ा ही आ गया था दोस्तों। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद मेरी चटनी बनी गई है और बहुत टेस्टी चटनी थी, बीच में ही चखने का खाने का मन कर गया, आहा पानी आ गया था मुंह में, खट्टी चीज़ ऐसी रहता देख के पानी आ जाता है। मम्मी बताती जा रही थी, मैं बना रही थी, बहुत टाइम लग गया था दोस्तों। और फिर मम्मी मुझे देती है खाना दोपहर वाला, कि लो आरती खाओ। मम्मी देखिए टहलने लगी हैं तो मुझे खाना खुद लगा के लेके आई हैं, मैं थोड़ा आराम करने लगी, मम्मी बोली आरती को दे देती हूँ खाना, मैं बोली मम्मी मैं ले लूँगी, पर मेरी मम्मी कहाँ, और जब तक मेरी मम्मी मुझे खाना नहीं देती मेरा पेट भी नहीं भरता दोस्तों। तो मम्मी मेरी ला दी है थाली, और ये है चटनी दाल चावल सब्जी। और बताए आप लोग को, फिर शाम हो जाती, मैं वीडियो फिर नहीं बनाई, थोड़ा आराम की हूँ। और आज हम कहते का एक आइटम बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा और खाइएगा, बहुत टेस्टी आइटम रहता है दोस्तों। आज तो मेरे मल्ले बल्ले ही हो गई, सोंधी मिट्टी खाने को मिल गई, कैथा मिल गया, मेरे सब चीज़ फेवरेट ही मिलती जा रही। इसका एक चीज़ बना रही, देखो चेंज करके अब इसके अंदर नमक मिर्चा और हल्दी भर के इसको रख दूँगी, फिर कल खाऊँगी दोस्तों, के लिए रख दूँगी, उसके बाद खाऊँगी, बहुत टेस्टी आ जाएगा, फिर खाऊंगी, जब खाऊंगी कैसा निकलता है। ये पुराने जाने मम्मी लोग बहुत बराबर खाया करती थी, देखिए इसमें डाल देती हूँ ऐसे, अरे कुछ मिला दो, हल्दी डालना भूल गई थी तो नमक डाली हूँ उसमें, और मिर्ची थोड़ा सा पिसा हुआ रखा हुआ था, और ये हल्दी डाल दूंगी। ये है गांव की लाइव माँ बेटी की दिनचर्या। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और थोड़ा सा चख के देखती हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्टी, आज तो मेरी मज़े ही मज़े हो गई। और अब मैं इसको रख देती हूँ, कल खाऊंगी, आज नहीं खाऊंगी। मम्मी लोग मौसी लोग बता रही थी जब रख दो कल खाओ तो तब बहुत अच्छा लगता है टेस्टी, पर मुझे इच्छा हो रही थी कि मैं आज ही खा लूँ दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं।